हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैंने अभी व्लॉगिंग चालू की है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैं कॉमेडी वीडियो भी बनाता हूँ। आज मुझे दिल्ली घूमने जाना है, कुछ काम है तो घूम भी लेंगे, साथ में वो काम भी कर लेंगे। मेरे ना बड़े पापा का घर भी है वहाँ पर, तो उनसे भी मिल लेंगे, हाल चाल पता कर लेंगे। यार चलते हैं, हम मेट्रो से जाने वाले, मेट्रो से बताएंगे आपको कैसा रास्ता है, क्या क्या है, कैसे कैसे जाना है। अगर टाइम बच गया तो वहाँ एक दो पार्क है, वो भी घूम लेंगे, क्या कहते हो, चलते हो मेरे साथ? चलो। अरे हम जा रहे थे, जाते जाते मैं याद आया दरवाजे पे कोई आ रहा है, लग रहा है दरवाजे पे, लग रहा है कालू प्रधान जी आ गए हमारे, बिस्कुट खाने आए होंगे, मोहल्ले में रहते हैं, चलो बिस्कुट डाल देते हैं। मैंने देखे तो सही है कौन दरवाजे पे। हाँ लो जी, कालू प्रधान जी बैठे हैं आके, दोनों कालू प्रधान आके बैठ गए। आओ बेटे, खाओ चले, चलो आ जाओ आ जाओ, बिस्कुट खिलाएंगे। कालू जी बिस्कुट खाओगे? हाँ कर रही हो, शर्म ना दी, ले हाथ मत खा जाइए। हाँ ले भाई, तू भी खा भाई। हाँ तू खा ले पहले, उसका ही खा ले। हट जा हट जा हट जा हट जा रे। कालू प्रधान जी गाड़ी आ गई थी अभी, अभी तुम्हारा काम निपट गया। देखो भैया कितनी बड़ी फौज आ गई है, देखो पूरे मोहल्ले के आ गए। हाँ 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 जो भी आ गए। हाँ हाँ दिखाइए ज़रा, कोई सभी काटता नहीं है, मुझे तो नहीं काटता एटलीस्ट। कालू प्रधान जी, ये हमारे कालू प्रधान जी है, इनका इतना बड़ा मुंह है तो किसी और को खाने नहीं देते। हाँ भाई भाई टू ओए भाई टू, अच्छे जी तेरे तो मोटेड़ा भाई, कैसे गर्लफ्रेंड ने मुक्का मार दिया। तो कालू प्रधान जी को खाना खिलाने के बाद हम चलते हैं ऑटो की तरफ, हमें मेट्रो भी लेनी है यार। खाना वाना हमने भी खा लिया है, नाश्ता कर चुके हैं और मौज में जा रहे हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं ऑटो। भैया ऑटो कहाँ तक जाएगा, हमें कहीं पहुँचा दो। मेट्रो चलोगे? चल ही लेंगे यार, ये तो इनको क्या है, कालू प्रधान जी की कृपा है बस और बस। ओके ये ऑटो वाले भैया के जो शीले गाने वो मिला मैमली, चलिए चलते रहिए साथ में, मिलते रहेंगे। अभी तो बहुत रोमांच है। ओ माय गॉड, खतरों खिलाड़ी ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे भैया कहाँ चढ़े हो? भैया 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 ऑटोग्राफ तो दे दो। ऑटो से उतर चुके और हमारे साथ जुड़ चुके सिद्धू प्रधान जी। हेलो सब, कैसे हो प्रधान जी? सब सही है, देखिए ये मेट्रो स्टेशन पे क्या लिखा आ रहा है आगे। क्या लिखा है? लिखा है ठहरी और जाइए। हाँ तो बेटा ठहर के जाना है। प्रधान जी देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है, पर हमें तो लाइन रखनी नहीं है लाइन में, अरे बाबा की मेट्रो है। मतलब तुम्हारे पास कार्ड है? हाँ जी कार्ड ही है। प्रधान जी देखो आते ही आप लोगों का बैकग्राउंड देखने लग गए यहाँ पर, मेट्रो की तरफ चलो यार। तो ये शहीद स्थल का मेट्रो स्टेशन और मेट्रो आ चुकी है हमारी, देख सकते हैं आप, बड़ी सेक्सी मेट्रो है यार। प्रधान जी जरा देख के आइएगा, अंदर आराम से चढ़िएगा, लड़कियाँ बैग में डाल के ले जाती है, आप जैसे हैंड से बाहर भी उधर छोड़े भी ना है वो। हाँ बेटा चिंता ना कर, तेरे साथ ही रहूँगा, तेरा हाथ पकड़ के चलूँगा। चढ़ जाओ प्रधान जी। अरे सिद्धू प्रधान जी चढ़े हो जल्दी। अरे कहाँ गए सिद्धू प्रधान जी, कहाँ गए? चलो अच्छा हुआ, बुड्ढे से पीछे तो छूटा। अरे तेरे पीछे ही चल रहा हूँ मैं, मुझे बड़ा बोला। ये कुछ फोटोज हैं जो हमने खींची हैं, आप देख सकते हैं। और उसके अलावा देखिए व्यू कितना अच्छा आ रहा है सिद्धू प्रधान जी, देखिए कितना अच्छा व्यू है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, हम समयपुर बदली के लिए अब मेट्रो लेने जा रहे हैं। ये कश्मीरी गेट स्टेशन है, इसके बाद हमें गुरु तेग बहादुर नगर जाना है। तो यहाँ पर दो मेट्रो आती है, एक आती है विश्वविद्यालय तक, उसके अलावा एक आती है गुरु तेग बहादुर नगर के लिए। तो प्रधान जी मेरे साथ ही रहिएगा, आप खो जाएंगे नहीं तो। अरे बेटा मेरा हाथ पकड़ ले बेटा, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाना है बेटे। चिंता मत कीजिए प्रधान जी, मैं आपको नहीं खोने दूंगा। जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन आ चुका है और अब हम बाहर जा रहे हैं। वॉकिंग डिस्टेंस में ही बड़े पापा जी का घर है, तो हम जल्दी ही से उनके पास पहुंचते हैं और उनसे मिलते हैं। आइए तो हम प्रधान जी के साथ पहुंचने ही वाले हैं बड़े पापा जी के घर। जैसे कि आप देख सकते हैं ठेले के, प्रधान जी देखो वो देखो डॉगी बैठे है ठेले का डॉगी। हाँ प्रधान जी चलिए जल्दी से, नाश्ता तैयार है, पहुँचते हैं हम घर। ओके
के साथ बताना पड़ रहा है, प्रधान जी को कहीं जाना है तो वो हमारे साथ आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, आधी बार वो हमारे साथ आ जाएंगे। अभी देखिए हम सोसाइटी में अंदर एंटर कर चुके हैं और हमारा पार्क हमें दिखने लग रहा है। ये वही पार्क है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ बहुत यादें जुड़ी हैं मेरी, बचपन में बहुत खेला करते थे हम। पहले वो झूला होता ना, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, वो यहीं खेलते थे हम। तो जी पहुँच चुके हैं हम बड़े पापा जी के घर और ये बड़े मम्मी जी दरवाज़ा खोल दिया है। अब हम अंदर बड़े पापा जी से मिलेंगे और गर्मा गर्म नाश्ता करेंगे। गाइस ये बड़े पापा जी है और ये अभी जस्ट नहा धो के पूजा कर रहे हैं। बड़ी मम्मी जी किचन में नाश्ता बना रही हैं, जैसे ही तैयार हो जाएगा हमें बुलाएंगी। चलिए औरों से मिलते हैं। हेलो छोटे चाचू, क्या कर रहे हो? गेम खेल लो। अरे सात्विक बाबू, गेम खेल लो। सुबह सुबह गेम खेल लो। अच्छा आज तुम्हारा एग्जाम था अर्नब का था? मेरा। ओह माय गॉड, पबजी खेलो खेलो। मैं मार रहा हूँ, मार रहा। अच्छा क्यों? यार अरे मारना चाहिए भाई तुम्हें, तुम तो प्लेयर आदमी हो। अरे वो अभी 36 हुआ है। जी आ रहा हूँ। ये हमारा नाश्ता बन चुका है लग रहा है। आया जी आया। ये दो पराठे मंगे हैं। अच्छा तुम ले लो। नहीं बड़े पापा जी को देता हूँ पहले। सकते हैं गाइस हमारा भी नाश्ता आ चुका है, बटर लग के मस्त लग रहा है, एकदम खाने में इतना डिलीशियस लग रहा है, मजा आ जाएगा आज तो। ये भी करेगा, ये दादी की हेल्प करते हुए हमारे छोटे चाचू, क्या नाम है? सात्विक। हेलो कर दो। ये कौन सी हेलो है भाई? दादू ऐसे हेलो कभी नहीं करते। अच्छा ऐसे भी भाई चबक चल रहा है। अच्छा कुछ तो गड़बड़ है। तो नाश्ता करने के बाद हम आ चुके हैं हॉस्पिटल में। बड़े पापा जी को पैर दिखवाना था, उनका पैर मोड़ गया था, तो अभी डॉक्टर ने उनका चेकअप कर लिया है, दवाई लिख दी है और वो दवाई लेके अभी हम चलते हैं दिल्ली थोड़ा सा घूमने स्कूटी पे। बड़े पापा जी घर जा रहे हैं पर हम साथ में घूमने भी चलेंगे, तो रास्ते में जो भी होगा हम आपको दिखाते रहेंगे, पार्क कॉलेज वगैरह हमारे यूनिवर्सिटी रोड भी। हम दिल्ली की रोड पे घूम रहे हैं और अभी जो है यहाँ बहुत सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हैं, आप देख सकते हैं रास्ते में मिलेंगे आपको दिखते हुए खड़े हुए। यहाँ एक दमे का हॉस्पिटल भी है, इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, आई थिंक शायद एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है दमे के लिए। जो हंसराज कॉलेज वो भी यहीं पढ़ता है। ये पूरा दिल्ली का साउथ कैंपस है। तो अभी हमने बड़े पापा जी को घर भेज दिया है और हम दिल्ली एक्सप्लोर करने के लिए पैदल घूम रहे हैं, घूमेंगे फिर उसके बाद हम जाएंगे घर। गाइस देखो कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, पूरा पेड़ फूलों से भरा हुआ है। माय गॉड, हम मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं पर बीच में मुझे पेड़ दिख गया। वाह तो कर रहा है सारे। जड़ी बूटी की तरह लग रहा है, जैसा हनुमान जी लाए थे। वाह क्या सीन है ये देखो, और ये पेड़ दिख रहा है देखो पूरा गुलाबी है। ओह माय गॉड, दिल्ली की पता मुझे यहाँ मतलब ये जो है रास्ते में सबसे अच्छी बात क्या लगती है, यहाँ हरियाली बहुत है, बड़े बड़े पेड़ हैं और मुझे हरियाली बहुत पसंद है यार लिटरली। यहाँ पैदल चलने में भी ना मज़ा आता है, मज़ा इतना आता है क्यों? क्योंकि यहाँ धूप नहीं लगती। इतने बड़े बड़े पेड़ हैं आप देख सकते हैं, लंबा रास्ता है, कोई ऑटो वाला जाने को तैयार नहीं था इसलिए मैंने कहा चलो मैं पैदल चलता हूँ, 2 किलोमीटर कौन सा ज़्यादा होता है। अच्छा अच्छा आपसे बात करते करते कट जाएगा, चलो कुछ तो होगा कम कम। वाह
ये क्या भाई, बड़ा सा पेड़ है। मेरा मन कर रहा है कि कोई बढ़िया से पार्क बीच है, कोई बढ़िया सी जगह हो यहाँ घूमने के लिए। जगह तो है यार, आराम से बैठे, आराम से सीटे भी से आते। और मंकी भाई कैसे हो? अच्छा तुम भी बैठे हो। और मंकी भैया बढ़िया? तुम्हारा इस, अरे तो लाइन लगी भैया, करीब फोन न छीन ले, साइड आ जाओ, इनका भरोसा ना है कभी हमारा फ़ोन छीन के अपनी गर्लफ्रेंड को बात करने लगे। बहुत सारे बच्चे एक आधा होता था बात भी हम कर लेते इससे, तो बहुत सारे हैं। चलो जैसे कि आधा रास्ता कट चुका है, आधा और कट जाएगा आपसे बात करते करते। हाँ जी, लोग देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं अजीब है, अपने आप ही बातें कर रहा हूँ। नहीं है तो नहीं यार, अपने आप से नहीं। अरे एक कहा है भाई, इतनी बड़ी सी बिल्डिंग, पुराना जे स्टाइल का वो है गेट। तो गाइस हम दिल्ली से वापस आ चुके हैं और हमें बहुत जोर की भूख लगी है, और हमारे प्रधान जी भी यहीं हैं, आपको मिलवाएं। अरे बेटा जल्दी से कुछ बना ले, भूख लगी है बहुत जोर से। तो देखिए गाइस अब हम मैगी बनाएंगे आपके लिए। अच्छा आपने कभी समोसा और मैगी का कोम्बो खाया? नहीं खाया होगा, हम खिलाएंगे, हम किस लिए बैठे हैं, आइए दिखाते हैं आपको। पहले मैगी तो बना ले। क्या कहते हैं, तरह से बन रही है, पकने देते हैं इसे थोड़ी देर और फिर उसके बाद देखेंगे। हैं चलो बेहतरीन। लो जी अपनी मैगी और समोसा दोनों तैयार है, अब दोनों चीज़ें हम आराम से बैठ के खाएंगे। समोसा मैगी वाला कॉम्बिनेशन खाया, बड़ा मस्त लगता है भाई साहब का जब। देखो समोसा मैगी, अरे भाई का जब। चलिए बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल के, बहुत मज़ा आया। आई होप आप सबको भी मज़ा आया होगा मेरे ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो ब्लॉग में। तो काफ़ी थक चुके हैं हम, तो अब इस ब्लॉग को करते ही यहीं एंड। ओके गुड बाय।